चीन दिन रात अपनी शातिर चालों से भारत को घेरने की कोशिश में दिन रात लगा रहता है और अपनी इन्हीं नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए भारत के पड़ोसियों को पहले तो भारी भरकम कर्ज देता है और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में अपनी शर्तें मनवाता है। इसी का ताजा उदाहरण है हम्बनटोटा पोर्ट। चीन का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में श्रीलंकाई सरकार को हम्बनटोटा पोर्ट का विकास और देखभाल की जिम्मेदारी चीन को सौंपनी पड़ी। चीन के इस कदम को भारत को घेरने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन भारत ने भी चीन को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर ली है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। सरकारी कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI अब प्राइवेट कंपनियों GMR और GVK की तरह विदेशों में हवाई अड्डों का निर्माण करेगी। AAI श्रीलंका के पलाली एयरपोर्ट को विकसित करेगा। भारत के लिए सामरिक लिहाज से श्रीलंका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अधिकारियों ने आगे बताया कि AAI ने भारत में मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों में 60 से ज्यादा एयरपोर्ट का निर्माण किया है और अब वह अपनी विशेषज्ञता का लाभ बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को देना चाहता है। पलाली के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया है कि पलाली श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जो तमिल क्षेत्र है। उत्तरी प्रशांत की मांग पर भारत ने पहले पलाली एयरपोर्ट के विकास का वादा किया था। यह एयरपोर्ट उत्तर में श्रीलंका का पहला एयरपोर्ट होगा। सूत्र ने बताया कि यह एयरपोर्ट होने से उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग सीधे तौर पर दक्षिण भारत, मलेशिया और थाईलैंड से जुड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत ने उत्तर में कंके सुंदरई एयरपोर्ट और दक्षिण में मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है। मताला एयरपोर्ट चीन द्वारा विकसित हम्बनटोटा पोर्ट के काफी करीब है। सूत्रों ने बताया कि 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म होने के बाद भारत उत्तरी प्रांत के पुनर्निर्माण और विकास में शामिल रहा है। हालांकि चीन श्रीलंका के महत्वपूर्ण ढांचागत प्रोजेक्ट के बड़े डेवलपर्स में से एक बनकर उभरा है और ऐसे में भारत को अपना सहयोग तेज करना पड़ा है। पलाली अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संवेदनशील तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में है, जो पारंपरिक तौर पर भारत के काफी करीब रहा है। यहाँ विकास कार्य के जरिए भारत श्रीलंका के इस हिस्से में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पलाली के समझौते पर हाल ही में AAI के कार्यकारी निदेशक अनिल गुप्ता और MEA के संयुक्त सचिव संजय पांडा ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।